मम्मी अभी रोटियां लगा रही है, ये देखिए। ओ मां क्या ठीक है, क्या ठीक है, बहुत सर भाई वो खड़े इधर पानी पर पानी नहीं मारते यार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो माशाल्लाह जी, ब्लॉग हमारा शाम को हो गया स्टार्ट और अभी सुभान और मैं निकल रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी कटिंग शटिंग करवा के आऊँ और आज बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों को देने वाले हैं शाम के टाइम। तो मुंशी भाई भी यहाँ पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, व्लॉग श्लॉग बना के एडिटिंग शेडिंग करके बाबा पड़े हुए हैं। भाई हमारा नौकरी का मसला है। अच्छा, हाँ यही तो हमारी वो तो है। मुझे पता है आपका नौकरी का और छोकरी का दोनों का मसला है। और मैं सभी बैठे, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? तो भी ऐसे ठीक है, बिल्कुल फिट हो माशाल्लाह से। और सलमान साहब, आप मेरे साथ चलना चाहोगे? सरप्राइज़ वो बाद में देंगे, शाम को देंगे, अभी मेरे साथ चलना चाहोगे? अभी मैंने सोचा अभी अभी उठाऊँ मैं ना, थोड़ा शेव में बनवा के आऊँ, थोड़ा बालों की जाना कटन शटन करवा के आऊँ थोड़ा सा, प्रोटोकॉल लेके। और उसके बाद जो है ना, आज वापस आके ना आप लोगों को बड़ा सरप्राइज़, बिग सरप्राइज़ देने वाले हैं। मुझे यार सरप्राइज़ को सुन के आपको नींद आ जाती है मेरी जान की टोटे, हैं तुझे क्या नींद आ जाती है? क्या होगा, नींद आ जाती है तुझे? ओए ये यहाँ पर मार करता है, ऐसे करते हैं हैं? फिर मैं हाथ जोड़ के तेरी मिन्नत करा ना पागल ना इश्क दा गल विच नी सुनिया मजनू चे कासे ससी रोल मुइया ते पुलल ओ जरा मुंह ते गोन नजर दाई। अच्छा, साले वे सिया पल दो पल विच। अच्छा, मकबूल कली पई जींदियां तई वदे लिख से दर्द गजल। अच्छा सिर्फ तेरी शादी है, मेरी कहनी शादी, मेरी शादी कहनी है, मेरी शादी कहनी है। बंदा या गाल है तेरे, 4 महीने पहले मेरी, 4 महीने बाद खुदा दा बंदा, इमे आम गाल है। पूछी भाई जान रे नी शादी में तन गो टंकी जोल चाड़ उठी उठी जोल। वैसे टाइम भला काना मिल से मेरी गाल सुन के बैठे। मैं आज हूं, वैसे भी छुट्टी की थी तो मैं कल इंशाल्लाह अपने से आज चल चैनल है। आप जाए ना तकरीबन 2-2.5 घंटे लगाएंगे? नहीं नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, बस लगवा है। चलो अम्मा मैं आता हूं, ठीक है? बहुत सारे काम करने हैं, फिर जो काम करने हैं वो आप लोगों को सरप्राइज देते हैं कि हमने क्या काम करने हैं। सलमान बाहर गाड़ी निकाल के खड़ा हो गया है धूप पे। चल यार जल्दी चल, कटिंग शटिंग करवा के आते हैं ना, थोड़ा सा माहौल जो है ना ख़राब हो गया। चले चल, अभी जाके देखते हैं पता नहीं नई है या नहीं है दुकान पे। और ये देखें धूप इतना है, गर्मी इतना है कि ना घर से बाहर भी नहीं निकला जा। नलके भी सूखे हुए हैं गर्मी से। इधर से चल बच्चे, चल बच्चे, चल। अभी हजाम की दुकान पर तो बच्चा ये छोटा खड़ा हुआ है, शिगर तारिक भैया भी है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। बल्कि अभी मैंने कॉल की है, वो बोलते हैं कि ना थोड़ा सा दूर चले गया हूँ मैं, शेव करनी है एक बंदे की, उधर से शेव करके ना फिर मैं वापस आता हूँ। आप मेरे लिए ना सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करिए। मैंने कहा 5 मिनट नहीं, चलो 10 मिनट देते हैं, आप इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखें मैं बैठ गया हूँ कुर्सी पर, जैसे ही आता है फिर इंशाल्लाह शेव बनवाते हैं और बालों की कटिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ, फिर आप लोगों को सरप्राइज भी तो देना है। और छोटे हो यार, दूसरा किधर गया है? हैं उस्ताद ना लंगे आया। चलो जैसे उस्ताद आता है, तारिक भी आते हैं, फिर शेव बनवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट कर लेते हैं। पहले पहले कटिंग जो है ना अभी करवा ली है मैंने, और शेप भी करवा लिया माशाल्लाह से, ज़बरदस्त सोने सोने बना लिए। तारिक भाई भी हमारे बैठे हैं, नाखून काट रहे हैं ब्लेड के साथ। यार वो रख लो अपना नू तराश, रख लो नाखून तराश। ऐसे अगर आपको ब्लेड लग जाए तो फिर हम किधर जाएंगे? नाखून तराश रखेंगे इंशाल्लाह।
तो अभी निकलते हैं, रास्ते में जो है ना ट्यूबवेल चल रहा है, वहाँ पर जाके नहाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना घर जाके नहाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा मैंने कहा यार ठंडा पानी होगा, थोड़ा पानी छानी उधर नहा लेंगे ठंडे पानी में, गर्मी बहुत है ना इसी वजह से थोड़ा चिल भी कर लेंगे। आपने नहाना है यार? आपने भी नहाना है? सर ठीक है, साथ में जाके नहा लेते हैं। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं तारिक भाई, मिलेंगे नेक्स्ट राउंड पे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। अभी अभी पहुंचे हैं घर, तो ये देखें ना मेरी हालत, पहले उधर ना बोर पे नहाते रहे, नहा नहा के ना बाहर निकले जब ना, तो अभी ये देखें ना मेरे बाल बिल्कुल मलिंगे जैसे हो गए हैं। तो उसके बाद अभी घर फिर नहाना है। इधर मुंशी भाई की भी आप लोग शक्ल चेक कर लें, ये देखें वह, ये क्या हो गया है वह, ये क्या थी गए वह, क्या थी गए, हिम्मत मार सटिया दिखा, हाँ इतना मजदूरी छाला भी निकल आया यार, खुदा का वास्ते एक मेरी बात सुनो, एक तो हमारा घोट है तुम, ऊपर से आपको काम करना अच्छा नहीं लगता। आज रात को ना तेरा भाई, ठीक है ना, ये भाई सुल्तान सारा काम सत्यानाश कर देगा काम। मुझे पता है घोट को करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जो भाई है ना ये सिर्फ भाई है, नाम का भाई, भाई है। आपका काम रात जो ये पड़ा हुआ है ना, कल का लगाऊंगा ना, सत्यानाश कर दूंगा। सत्यानाश देखना यार, तुमने मुझे मेरा कोई लेवल ही नहीं है। ये डकरा है ना, डकरा जैसे होता है ना, इसको मुट्ठी में ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे जो करोगे तो कुचरा कुचरा हो जाएगा बिल्कुल। दूसरे दिन बख्या भी नहीं उधर यार, कल मैं उधर रहा हूँ, परसों भी उधर रहा हूँ, हाँ मेरी बात भाई, आपको किसी ने बताया है कि यार आप जो है ना ये काम करो, आप ना करो, आपको किसी ने बोला है यार इसको कि ये काम करो आप? हमने बोला है इसको कि काम करो? नहीं ना, अब जब कर ही लिया तो फिर पछता क्यों रहे हो हैं? हमने तो आपको नहीं बोला कि आप काम करो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज और कर सकता हूँ यार, बहुत बहुत ना तुम थक गए हो ना, एक चीज इसके अलावा और कर सकता हूँ, आपको ठंडा पानी ठंडी बोतल पिला सकता हूँ। कैसा? मुझे जीख सी हो गई है। जीख क्या होती है? जीख, अच्छा वो खांसी वाले जो जीख होती है, ऐसे जो करते हैं। आज मुंशी बिरा दे पिछू मैं लैला हूँ, आज मुंशी भाई के पीछे मैं लैला हूँ भाई, बोतल लेके आनी है आज, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, पैसे तुम्हारे पास मेरे हैं, पर्स मेरे पास है ना, जो अभी लिया रास्ते में, ठंडी नहीं थी रख दी है वो वाली, 5 मिनट सबर करके ना बोतल ले आओ। अम्मा किधर है? तू कहाँ गई थी इधर? तू इधर कहाँ से टपक गई? क्या करने गई थी? मेरा तो भैया नहीं है, ठीक है ना, बुलाते हैं, कहते हैं कि बुलाते हैं, कहते हैं कहते हैं कि बना देगा, काले क्रेडिट और ले आएंगे, ये भी वो भी, उनको कहते हैं कि अपने मजदूर ले कर बन, यार फट गए हैं मेरे हाथ, अभी तो घोट हूँ मैं यार, ये मेरा हाल है, जो बाद में क्या है। चलो इसका कोई मसला हल करते हैं, परेशान ना हो। अम्मी किधर है? अम्मी किधर है? अम्मा अम्मी मेरे साथ में भैर चलाने, अम्मी भैर चलाने, खैर है पागल नहीं हो गया तू? मैं चला हो गया हूँ, पागल हो गया ना, आप खुद जाके देख रहे हैं। ना कर यार तू, अम्मी और भैर बकरियां चलाने गई है यार, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, जाके देख ले। रोका था आपने? नहीं वो मैंने नहीं रोका था, वो उधर गई है खड़ाने, भेड़ बकरी खड़ाने गई है, वो दादी नहीं, हाँ। दादी के साथ में चलाती रहेगी, मतलब अम्मी वापस आ जाएगी क्योंकि, हाँ। तो ये बताओ ना यार, मुझे डरा दिया है यार, खुदा का वास्ता, भेड़ बकरियां छोड़ के ना अम्मी जो है ना ये सामने, बिल्कुल पट्टे होते हैं ना सामने, हाँ पट्टे, उधर जो है ना छोड़ने सिर्फ गई है और चलाने वाले कोई और है, तो सिर्फ छोड़ने गई, ये सामने वाली जमीन है, ये पड़ी है सामने हमारे घर के पीछे, तो इधर छोड़ने के लिए गई है अम्मी। तो ये बोलो यार मुझे, क्यों डरा रहे हो तुम? धमका रहा हूँ, डरा नहीं रहा। चलो तुम जाओ बोतल लेके आओ, तब तक मैं मुंशी से निपटता हूँ, मुझसे तुम निपटो, हाँ मैं तब तक जाता हूँ, कजन को बुलाता हूँ, क्या करने के लिए करते हैं।
वो शाम को करेंगे, शाम को, हाँ शाम को करेंगे कल। मुझे यार वो हो गया, जीख हो गया। ये जीख नहीं है, ये बड़ी खंग हो गई है, ये आपको बड़ी खंग हो गई है, जीख नहीं है। डॉक्टर साहब चेक करें खंग मेरी को। इसका एक ही इलाज है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, आप बैठो मैं बताता हूँ। मैं तब तक अम्मा को बुला के ले आता हूँ। अम्मी अम्मी यार भैर बकरे चाहें यार यार अम्मी भैर बकरे यार यार। हाँ वे गुदा क्या हाल है, चाहे रामत रोदा पोत्रा, चाहे रामत रोदा पोत्र क्या पई वी यार। अरे देख जवान छुअर जे होंगे ना, एक नहीं पहने रहा, ठीक है हाँ। ये कहना पोत्र ये भी रहमत उल्लाह का पुत्र है ना, कर यार इतने पुत्र थे गए माशाल्लाह। वो देखें वो सामने आ रही है माँ। भाजा 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 भाजा। गर्मी विवर बहुत है, इतना धूप में फिर हमें निकल के भाग जाती है उधर उधर, रोकते हैं यार। आप कम अज कम इसका सर देखें, ये देखें कम अज कम आप घर बैठे थे, अम्मी को यहाँ पर रोक लेते यार। यार मैं उधर रोड़ा बना रहा था, मैं अभी बोतल आती है बोतल पिलाता हूँ आपको। मैं उधर रोड़ा बना रहा था, पंखा अभी आती है बोतल बोतल पिलाता हूँ आपको बोतल। ये देखिए बोतल जो है ना आ गई है, तो अभी किंदा भी साथ बैठी है, और इसको देखे ये अपने दांत को ना कातियाँ छातियाँ खिला रहा है बोतल पीने के लिए, किसी और चीज़ का मसला तो नहीं है। देसी नहीं है तो वो जात वाला। हाँ वो सामने खड़ा है जो खजूर का दरख्त खड़ा है ना, ये यहाँ से ले आता है ये। और अम्मी क्या बोल रही थी आप, छोटी थी असा ही फिर छोटे थे यू ना वाला सा छोटे गिनगी दे घर पे मजाक करना पा, मैं सीरियस थी यार मजाक करना पा। बह उतर बोतल पी लेना, बह दिमाग साफ कर, पानी पिला यार मजाक करना पे यार खुदा के वास्ते। हाँ ठीक है, एक परेशान है, एक परेशान है। जल्दी चावा मैं, जल्दी चावा, जल्दी चावा, गिलास है शीशे वाला ब्याह त्रोड़ू, जल्दी चावा मुंशे। हाँ ब्याह शीशे वाला गिलास त्रोड़ो भाजा, जिस टाइम हम खुद बोतल पी रहे होते है ना घर में, तो आप ना स्टील वाले गिलास उठा लिया करो, शीशे वाले ना उठाया करो। जब मेहमान आते हैं ना घर में तो फिर आप शीशे वाले उठाए। नहीं साकू भी स्टील वाले गिलास है, साकू भी स्टील, साकू जरूरत क्या नहीं है ऐसा, मतलब ये शीशे वाले गिलास स्टील वाला डिठी खड़ी में पता है वो गिलास वड्डा डिठी खड़ी वाली हो ढेर बोतल आवे मुंशी। एक नो मैं मुंशी क्या आदि बैठी अम्मा, मैं के हो तो वड्डे देव स्टील वाले गिलास है दिता कभी के वड्डे नहीं भर इधर ही भरे। अरे देख ए देख एक गिलास है ये आधा ठीक है बैठते है पीते है पानी। पहले मुंशी को तेरे मुंशी कितने मंगवा यार, भाई दिया बाद दंद बन मारी पर मैंने काम का जवाब है मां, मेरे को साला निकल पर मैं घोट आ जाता रहा मजदूर हां ते कौन करे थी घोट ये मेरे जवाब है। मैं मेरे को भावे पतवा पढ़ना हो ना पढ़ना हो शादी करना मैं काम नहीं थी शादी आई में कानू थी दिया शादी में थी ने कमाओ कमावे घोट ते देख लो काम करवे तो सारा हमें तो दसे ना बे सारा काम तेरे को करवे तैयारी है जरन शादी शादी होसी ना सारा काम मेरे को करवावे। ये सारा असूल दा रिवाज है, सारे शादी दा रिवाज है, जेड़ा बंदा कहीं नहीं करवेंदे ना आए आपके ना इदी शादी
हमारे शादियों का ये असूल है, हमारे शादियों का ये रिवाज है कि जो घोट होता है ना वो खुद काम करता है, और जैसे ये मुंशी कर रहा है अपना काम खुद कर रहा है। नहीं थी ना नाल, मैं नाल कहना थी था, मैं सुत्ता पे था, जुए सुत्ता पे ना पंखा चला। अम्मा अम्मा ये होने दे, नाल से काम करवा देनो, जब ये इसकी शादी हो जाएगी ना इसकी बीवी भी और ये भी हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। सुन सर, ये सुन दे, सुन सर, मैं हो सना अम्मी को इतबार आए, वो कह रही है सुन सर आपकी शादी के सेटिंग हम कर रहे हैं। बात है मेरी शादी, मेरी शादी तो सेज शेज हो गए, सेज हो गए, ब्याह क्या सोने सोने बक्से हो गए ना, अलमारिया हो, मैंने सोना सोना फ्रिजा हो, मैंने बड़ सो सेजा लग सा शादी थी वे मुंशी गबरू वाले मेरे को सेजा लवा दो। वाह जवान है, शक्ल ले सेजा ली धागे नहीं होते जेड़े सुतले आले उधरे सुचा अधोड़े ने सेज बने सो फैंसी सेज बने सो किवें भला लोग आदे होले फलाने छाते इत्ती पहले ला दे सही है ना ए सेज तो सही है ना पक्की गाल है। चुप कर दे बोतल पी। पुराने कपड़े नहीं। अभी अभी पहुंचा हूं मैं घर, शाम का टाइम जो हो गया है और आप लोगों को पता है कि शाम की रूटीन में अक्सर आप लोगों को जाना दिखाता रहता हूं। और ये देखिए ये जो बकरा है ना, ये सॉरी बकरा नहीं है भेड़ा लेला, ये जो है ना अब्बू के पीछे ही रहता है 24 घंटे, जहाँ भी अब्बू जाए ना अब्बू के पीछे ही रहता है। अब अब्बू उठ के बैठ जाएंगे ना फिर ये फिर अब्बू के पीछे। अब्बू क्या खिला रहे हो इनको जो आपके पीछे पीछे रहता है ये बकरा? मोहब्बत करता हूँ। आप भी उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे मोहब्बत करता है? पक्की बात है? अच्छा वाह जी वाह। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे अब्बू जाएगा ना आगे फिर ये भी पीछे जाएगा, देखना है। अभी दिखाता हूँ, ये इसका नाम है जी पुन्नल खां, पुन्नल खां। ये देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, अब्बू आगे आगे जा रहे हैं और पुन्नल खां पीछे पीछे जा रहे हैं। और देखो अब्बू हूँ बांधा पे ना पुन्नल खाए, देखो नाल है पुन्नल खाए, नाल खड़ गया देखो। वाह जी वाह। हाँ पुन्नल और क्या और क्या? हाँ पुन्नल और क्या? अच्छा पुन्नल है बह, हाँ बह, हाँ वाह सही वाह वाह सही वाह। पुन्नल को पीछे तक खड़ा, हाँ खड़ा हो नहीं पैंदा, नहीं पैंदा, नहीं पैंदा गल्ला हो है हो रे हो पैंदा पे। देख रहा इधर उधर हूँ मैं कुछ खड़ा मेरे को हूँ मैं डोसी कहना 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 देखो देखो मोहब्बत देखो है। वाह सीमा हूँ अब्बू अभी घर जा रहे हैं पुन्नल पीछे पीछे, ये देखो वो पुन्नल जा रहे हैं पीछे पीछे। अब्बू भी किचन में बैठ गया और पुन्नल भी जा पहुंच गया है। चाय बना रहे हैं अब्बू भी और पुन्नल भी चाय बना रहे हैं, ये देखें। वाह वे पुन्नल अब किंदा के पास आ रहा है, किंदा आपके पास आ रहा है पुन्नल किरा ले ले आगू तो ठीक वाला गला पाल ले चल डिठी। पुन्नल बाबा पुन्नल डाढ़ाई है, पुन्नल शेर है बाबा, पुन्नल बाबा डाढ़ाई तो माशाल्लाह जी मुंशी खां सुना बाबा कल वड़ा सरप्राइज नहीं लेना ले जी, कल या परसों
वो मेन तक कल की है ना, अगर कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को, बिग सरप्राइज, धमाका खेज ऑफर। इंग्लिश तो बोलो यार। तो आपके लोग इंग्लिश बोल दो भाई? हाँ बोल दो। अच्छा जी, दिस इज माई एंड बहुत बड़ा एंड डिफेरी एंड जो है ना धमाका सरप्राइज, सरप्राइज बहुत बड़ा फेयर एंड दी हैंड, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आप है? लोग ना देख के ना वेयर एंड दी शेलिंग शेलिंग दी स्पोर्ट, आप लोग देख के बहुत खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि अच्छा धमाका भी बोलो ना, दे आर माई एंड धमाका है, धमाका मेरा धमाका होने वाला है, दे आर इज द माई धमाका, दैट इज माइन माइन दी ड्रीम, माइन डरिया बता हूं धमाका होने वाला है, मैं डर गया हूं। असल में ना मुंशी भाई का जो वो क्या कहते हैं ना वो साला शरीफ है ना, साला शरीफ, साला वैसे शरीफ तो होता है हैं बे, क्या साला शरीफ होता है? हां जी साला शरीफ होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो ये बात है कि साला शरीफ अभी इसका गया हुआ है भावलपुर, तो जैसे भी भावलपुर से वापस आते हैं ना फिर इंशाल्लाह इनका जो है होने वाला है बहुत बड़ा धमाका, तो धमाका वो जो होगा ना आप लोग जब देखेंगे ना फिर परेशान हो जाएंगे आप लोग भी, इतना बड़ा धमाका यार, बोल दो यार फिर वो हमें पुलिस में उठा के ले जाए। और भाई धमाका क्या होने वाला है, धमाका मैं आप लोगों को बताऊं, कल जैसे ही इसका साला अभी यहाँ पर आने वाला है ना, मुंशी भाई की शादी की डेट फिक्स हो जानी है कल, और हमने तो वैसे अभी से जो है ना फिक्स की हुई है, असल बात का आप लोगों को कल पता चल जाएगा कि कल जो है ना कौन सी डेट रखी जाती है और कौन सी डेट हम रखेंगे, और क्या मुंशी? हाँ और क्या? और बहुत सारे काम हैं। हाँ वो तो काम तो रहे जो, हाँ वो क्या बना वो अपने फर्श का, अरे क्या कुछ नहीं बना, मैंने जवाब दे दिया यार, आप घोट को कमवाते हो यार, सुबह हम कमाई कर लेंगे, सुबह हम कमाई कर लेंगे आपके साथ, हम कमाई करवाएंगे भाई, ऐसे तीन दिन हो गए हैं आप कह रहे हैं कि हम करा लेंगे, अभी करा लो, अभी यार अंधेरा है, बस यही तो बात है, सुबह कहोगे कि अभी यार, अभी है ही अंधेरा, ये देखो कहीं से, ये देखो कितना अंधेरा है, उधर उधर कैमरा करो उधर, ये देखो जी बाल सटा हुआ है और अम्मी ने अभी जो है ना बाल सट लिया है तंदूर में जी, जनाब सरदार साहब यार दुकान तो खंड ले आओ, खंड खंड क्या होती है? चीनी चीनी। हाँ चीनी, चीनी तो चीन में मिलेंगे, यहाँ पे आई हुई है, चल यार चीनी ले आ, अबू ने बनाना है दूध और हमने जो है ना पीना है, वो डोगी भाग के आ गई, मुंशी हो बेटी, मुंशी मुंशी मुंशी, अरे अरे ओ यो मुंशी हो बेटी, हो बेटी हे यो यो है बेटी, है बेटी बच्चे जड़े पिए ना, हाँ भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है ना, हमारे पास काम आती है, हमारे पास ये बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है यार, मैंने कहा है अगर कोई बच्चा इधर उधर हुआ तो इधर आपकी लाश मिलेगी, अच्छा तो इसलिए सारा दिन अपने बच्चों को धमकी दे दी है, रात दिन बैठी रहती है, अस्सलाम वालेकुम, आपने देखा है क्या? क्या तो जब कबूतर लेके बिल्ली जा रही थी, हाँ उस दिन ये मसरूफ थी, बच्चे दे रही थी, अच्छा उस दिन मैंने आपको उठाया नहीं तो बिल्ली ले जाती, हाँ वो अभी भी सेट हो गया है, अच्छा कबूतर ठीक हो गया, हाँ। शुक्र है, वो ना उधर यहाँ से बिल्ली ने उठाया ना इस कमरे के अंदर से, इधर से मैं जाग रहा था, बिल्ली इधर से लेके ना भागी और बिल्ली ना इधर पे कबूतर को आके छोड़ दिया जहाँ पर अबू बैठे हैं, इधर इस जगह के ऊपर इधर जो है ना उसने छोड़ दिया, फिर मैं उठा जल्दी से, बिल्ली इधर भाग गई, फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही मैं उठा कबूतर को ना दो तीन मतलब उसने झपट्टे मारे हुए थे, दांत लगे हुए थे उसको, फिर मैंने मुंशी को उठाया भाग के, उस कबूतर को उठाया हमने वहाँ से, उठाने के बाद कबूतर को तेल शेल लगाया हमने, कबूतर को बिठा दिया, जब आपने कबूतर को बिठा दिया ले आए ना वापस, फिर बिल्ली आई हुई थी मुंशी, फिर बिल्ली आई हुई थी, अच्छा लेने के लिए, कहती है उधर छोड़ गई हूँ कबूतर, कबूतर तो हमने उठा लिया था, हाँ जी बिल्कुल आई हुई थी, तीन चक्कर लगाए, हाँ तो मैंने कहा इनको पकड़ लो, मैंने भी ये सोचा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में कहाँ, बिल्ली कहाँ पकड़ में आती है, जंगली बिल्ली कहाँ पकड़ में आती है भाई, आप लोगों को पता है कि हमारे घर के आसपास सारे जंगली जंगल है ना, फिर कहीं से भी गिद्दड़ बिल्ले सारे चीजें जो है ना आ जाती है, है ना अबू? हाँ बिल्ली आई थी वो आके मेरी है शादी, अच्छा गोश्त लेने आई थी, गोश्त लेने आई थी, अच्छा मेहमान आए हुए हैं तो
कबूतर का गोश्त खवा। अच्छा वो लेने आई थी। वाह ले गई। फिर शुक्र है अबू उधर सो रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि एक कबूतर खा लो आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ ना, अबू जब तक बिल्ली को ना पकड़ता ना अबू को सुकून नहीं मिलता। हाँ एक दफा याद है आपको जब बिल्ली को पकड़ा था वो सामने वाली विंडो से वो गट्टू उठा के। हाँ कैसे पकड़ा था? भेजा कहाँ? मुल्तान भेज दिया। हाँ उसको उसको मतलब हमने ना उधर रोल फोल कर दिया उधर मुल्तान वाले शहर में छोड़ के आ गए थे हम। उनका खाता भी लगवा दिया। अच्छा हमने कहा कि इस होटल पे आपने रहना यहाँ पर खाओ पियो खर्चा होगा ना साल का। हाँ हम भेज देंगे। सही है अच्छी बात है। तो अभी तक वो उधर रह रहे हैं। बात लड़े पहनी हूं चखो हां कि ठीक है लून। हां कि अच्छा किंदा क्यों परेशान खड़ी है? परेशान है भूख लगी वधी है। बस अभी रोटी बना के ना आपको फिर दे। हाँ वो देख लेना ज्यादा नमक नहीं डाल लेना फिर थोड़ा। अच्छा चलो चारी चारी हो जाएगी भिंडी। सही आज चारी भिंडी होगी नहीं खाओगे ना? हाँ मजा आ जाएगा। आज अबू के हाथ की ये देखें ये बनी हुई है भिंडियाँ आज खाएंगे ना मजा आ जाएगा। ये देखें वाह सही वाह आज तक गांठ रही थी गोदा आज तक गांठ रही थी। चलो जी टाइम बहुत ज्यादा हो गया जी बात क्या ठीक है की में बात क्या ठीक है जी कौन कौन ये बेटी तेरी ये बेटी सच में पहलवान तो इतना शैतान की डकरा किसने मारा? ए भैया साइकिल पर जा रहा था मैंने कहा रुक जाओ फिर इतने साइकिल को उठा के मारा नीचे फिर साइकिल टूट गया। कब उठा के मारा साइकिल नीचे? जब मैं साइकिल पर जा रहा था तो डकरा मार दिया। तो ये साइकिल पता नहीं ये धुरका रहा था या वैसे हट के जा रहा था तो इन्होंने पीछे। साइकिल तुम्हारी नहीं है तुमने तीन मैंने पहले बोला नहीं था आपको या नहीं बोला था? अब क्या टूट गया उसका? वो पीछे जो ऐसे ये होती है मार वाली वो टूट गई। हां जी नहीं वो तो उसके नेट नहीं है उसके नेट नहीं है वो इधर से जो चले। अच्छा मेरी बात सुने ना आपको मैंने रोका इन्होंने लगाया डकरा यार मुंशी तुम खुद समझाओ मैंने इनको रोका नहीं था। समझाता मैं और तरीके समझाता हूँ फिर भी बार कहते हैं कि जो है ना आप सही नहीं समझाते ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ इनको ना सुबह करा इनको सुबह सुबह इनकी एक नाश्ता नाश्ते की फिर दोपहर को खाना मिल जाए ठीक है एक मार दोपहर को ठीक है एक शाम को सही है तीन दिन इनको दो एक मार तो फिर ये इनकी सेटिंग बनेगी ना तो नहीं बनेगी। अच्छा ये जा दिन ब दिन बदते जा रहे हैं। चलो अब्बू क्या बोलते हैं अब्बू से पूछते हैं अब्बू क्या बोलते हैं बच्चे ना फिर दे पाती ना इन्हें कोई डर खौफ कहीं ना कहीं जेरी से अपनी मर्जी नाले मंगन जेरी से चावन जेरी से मारन कहीं कौन ए बड़े बिरा को छोटे ने टकरा मार दिया। बाबू ये है ना छोटा है चलो वो तो जो है ना किसी से कम नहीं है ना यार। सौ दफा मैं हूँ ना मुराद को आके मैं कह पागला ना ही को खिड़ाया कर ना ही नाल योग्यता कर इनको आके तुम ना योग्यता कर बोला पच्ची करे नहीं को गाल तो यही है ना असल वजह हूँ दी है वो बैठे सामने जितना भी ना पावे पिछू बदते थे जिम्मे रहना गाली वी होनी है। जिस दिन भी आप लोगों को अबू की मार पड़ गई ना जिस दिन भी पड़ गई तो आप लोगों ने पूरी जिंदगी याद रखनी है। मैं आपको बता दूं बड़े करंट थे वो बीमार पर मैं पड़ी थी मुझे जब पड़ी थी मुझसे पूछ आप लोगों को नहीं पता है जो मार मुझे पड़ी थी ना आप लोगों को नहीं पता ये मुंशी भाई को पता है सिर्फ वो मुंशी भाई ने बताया था कि वो गन्ने वाली। हाँ याद है मुंशी मुझे जो पड़ी थी ना
कोको वाली जूती। हाँ ओके। अब नहीं वो गन्ने वाली जो मेरी मार थी तुझे वो कैसी कैसी मार थी? मेरे कंधे के पीछे क्या था? छापोक थे। छापोक नहीं, ब्लड निकल रहा था, मेरा खून निकल रहा था। हाँ अब्बू ने इतनी मार निकाली थी। हाँ वैसे तो अब्बू कुछ भी नहीं बोलते, ऐसे चुप करके मतलब देखते रहते हैं देखते रहते हैं। जब बर्दाश्त से बढ़ जाती है ना बात, फिर जो है ना, लेकिन वो जो मार थी ना जो मुझे पड़ी थी, वो मेरी पहली और आखिरी मार थी। उसके बाद खत्म, जान छूट गई। मुझे भी एक मार पड़ी थी है ना अबू, इन्हें जले पोसी ना मार, इन्हें जरा काम मैं करना है ना, पता का नहीं भी क्यों दा बिरामे दी की में कदर होने कितना यहाँ लाल करने इवें मुझे अबू। वैसे वैसे जब आपने मुझे मारा था उस दिन, कितना मारा था? बहुत मारा था, बहुत मारा था ना। अबू ने मार मार के खुद जो है ना गन्ने शन्ने छोड़ दिए थे, है ना, मार मार के खुद छोड़ दिए थे। कहते जा थक गया था अबू, मार मार के अबू मार मार के थक गए थे हैं, इतना मारा था। बहुत मारा, मैं कहता हूँ मुझे तो पता भी नहीं चला था कि अब्बू मार रहे हैं या नहीं मार रहे। मुझे नहीं पता चला था। असल में ना मैं बचपन में बहुत मारे खाता था अब्बू से, लेकिन उस दिन जब मुझे ज्यादा मार पड़ी थी ना, मुझे पता भी नहीं चला था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब घर में आया ना, तो घर में जैसे मैंने कमीज उतारी थी ना, तो पीछे मेरे कंधे के ऊपर सारा ब्लड ब्लड था, चाबुक पड़े हुए थे ऐसे पूरे मेरे, इसको क्या बोलते हैं यार, कंधे पर। तो इतना मुझे मारा पड़ी थी, लेकिन इन लोगों को अभी प्यार से जो है ना ट्रीट कर रहे हैं, प्यार से पा रहे हैं, इसी वजह से ये लोग किसी की बात नहीं मान रहे। जब पड़ेगी ना मार, आप लोगों को पता चल जाएगा। मार अब्बा सिर्फ एक दिन निकालता है, पहली और आखिरी, बस एक मार निकालता है। आप लोग सीधे सीधे हो जाओगे कि मैं अबू मैंने सीधा कार इंसान। हाँ हाँ मैं आखिरी थे ना, याद रिवा रहे थे ना मुझे सीधा कार गिर ना इन्हें पेड़ ठीक है, छुट्टा लो सवेरे खा रहे थे ठीक है, मसला क्या नहीं ना, ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि कोई बात हो ऐसे नहीं मार निकालनी, कोई गलती हो। गलती है ना, मानते हैं ना। हाँ ये अब्बू है सदा ठीक है, अब्बू अच्छी बात बताए तो क्यों नहीं मानते वाले। सही हो गया, कोई गलती है तो फिर ठीक है, मसला नहीं है, हमें भी कोई मसला नहीं है। एक मार आप भी निकाल लो, मसला नहीं है, फिर उसके बाद हम तकड़े हैं। मम्मी ने रोटियां लगाना स्टार्ट कर दिया अभी, ये देखें जी, ये देखें जी, और ये देखें जी, ये पेड़े शेड़े बनने जा रहे हैं। मम्मी ने किया रोटी, हमें जल्दी बना रोटी, भूख लगी है। मम्मी ने किया रोटी तैयार खाने वाले ये किसके किसके लिए? हाँ जल्दी करो, एक रोटी पहले पहले को दो, फिर वो सो जाए ठीक है ना, जल्दी से। और रोटी लग भी गई है अंदर तंदूर के, वो देखो सामने। अब आप देखते हैं ये यो अम्मी अम्मी आपका हाथ नहीं जलता? नहीं जलता, नहीं जलता, इसके अंदर पक्की गाल है। देखना ओरी देखो ए ओरी देखो ए, इतना गर्म ओरी देखो, उबला हाथ पाए थे बेच अम्मा, हाथ कह नहीं सरदा ओरी देखो अम्मा, देख हाथ तेरा कैसे ठीक है ना, देखो हाथ देखो, अरे हाथ देख सड़े पन रे रे, हूं देखी बुलाओ देखिए देख, हूं बुला ले से रे, ओरे 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 ओ ओ अम्मा साडे वैसे अम्मा हाथ, ओ रोटी गई पई तले, ओ रोटी ओ देखो विच्चू कट गई दे से रे, देखो दूर की रोटी ऐसे नहीं बनती, हमारा हाथ इधर तक भी नहीं जाता, ये देखें गरम है, लेकिन अम्मी देखिए यार कैसे आग में जो है ना हाथ मार रही है। हमारी रोटी भी पक गई, ये देखो चलें जी रोटी बन रही है, रोटी फिर खाते हैं ठीक है ना। तो किंजा ने माशाल्लाह खाना स्टार्ट कर दिया, ये देखो रोटी गर्मा गर्म, और साथ में जो है ना ये देखें भिंडी, और ये बैठी है किंजा रानी, रानी हो मेरी रानी, रोटी खाते वाला सुन मुझो है सही है ओके हो गया। अम्मी अभी रोटियां लगा रही है, ये देखिए ओ अम्मा क्या ठीक है, क्या ठीक है, वो खड़ इधर पानी पानी नहीं मारते यार हाथ।
पानी नहीं मारते, ज्यादा तो नहीं चला। ये देखिए सफेद भी हो गया यार। बस करो, नहीं लगा रोटियां, बस करो, बस करो। व्यूअर भी हमारे कह रहे हैं कि दूसरा वो बनाया करो मुड़ा, इनको समझ नहीं आती है। सुबह बनाते हैं, बनाते हैं सुबह। बस करो, नहीं लगाओ रोटियां, उधर जाके बैठो, बस करो, नहीं लगाओ उधर। चल मुंशी, लगा यार रोटियां तू। यार आज के बाद तुमने रोटी लगाने, वरना अम्मा को ना दूसरा मूड़ा बना के देते हैं। दिखाओ हाथ, अच्छा अल्लाह खैर करेगा, टेंट परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। चलो खैर, बह बह मुंशी वहाँ पे रोटियां पकेना पे। यार क्या कर दिया यार मुंशी, यार मुंशी को देखो रोटियां बना रहा है बाजू। ये नहीं बनती यार, दूसरी। बस करो, जो बनी हुई है ढेर है ये निकाल लो, जो पकी हुई है अभी ये पक जाए निकाल लो। वो मुंशी कल आपके जिम्मे है ये मूड़ा बना के देना है, मूड़ा बना के देना है। आप देखा कैसे हाथ चल रहे हैं, क्योंकि लंबा होता जा रहा है व्लॉग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।